हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साइड एंडल व्लॉग्स। और आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और काफी दिनों के बाद वीडियो आई है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो वीडियो पर्टिकुलरली बायोप्सी के ऊपर आएगा कि हमें व्हाइट लीजन्स की बायोप्सी कब करनी चाहिए और इनकंसिस्टेंसी बायोप्सी क्या होती है। बायोप्सी अगर ले रहे हैं तो लीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस ग्रोथ, किस टाइप की ग्रोथ है और आप बायोप्सी किस प्रकार से कर रहे हैं, कौन सा डॉक्टर बायोप्सी कर रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, अक्सर जो हम लोग, जो कॉमन आदमी है, हम लोग क्या गलती कर बैठते हैं, जब भी कोई व्हाइट लीजन होता है हमारे माउथ में या फिर कोई भी टाइप ऑफ ओएसएमएफ या फिर कोई भी व्हाइट लीजन, तो हम बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं और गूगल सर्च करने लग जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये करना बंद करिए, गूगल सर्च करना बिल्कुल बंद करिए, क्योंकि गूगल में एक वाइड एरे ऑफ नॉलेज दी हुई है। मतलब कि उसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि उनके लिए ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन पेनिस, ओएसएमएफ सब एक ही चीज है। थोड़ा बहुत उसमें वो लोग कहीं से भी डाल देते हैं, लेकिन अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन जानना है तो आपको उसके लिए सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर कोई लीजन डाउटफुल आपको लग रहा है तो आपको पर्टिकुलर डॉक्टर के पास आपको उसकी बायोप्सी करानी चाहिए। ऐसा ये नहीं, अब जैसे कि नोज में कोई अगर पॉलिप है, ठीक है, पॉलिप मतलब कोई ग्रोथ है नोज के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डेंटिस्ट के पास चले जाए, आपको ईएनटी के पास जाना चाहिए। वैसे माउथ के अगर कोई अल्सर्स या फिर ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन पेनिस है या फिर कैंसर है, तो आप ईएनटी के पास ना जाके, ईएनटी के पास आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन बायोप्सी वगैरह ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास ही आप कराएं या फिर ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट के पास डायग्नोसिस करा के बायोप्सी कराएं। ये एक बहुत जरूरी चीज है। अब मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे, तो वो भी सुन रहे होंगे ये वीडियो, तो उनकी जो लीजन थी, जैसे उनका माउथ लीजन था, मैं उसकी फोटो भी लगा रहा हूं, कि उसमें उनको लग रहा था कि, जैसे हम लोग भी देख रहे थे, कोई भी अगर उसको देख के बोलेगा तो लग रहा था कि उनको ओरल कैंसर है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी, जैसे कि ओरल कैंसर में या फिर कोई भी पैपिलोमेटस ग्रोथ में ना, एक जैसे कि सन रेज होती है, जैसे सन होता है, सन की रेज निकलती है, कैसे एक फिलीफॉर्म ग्रोथ होती है, मतलब कि एक धागे जैसी ग्रोथ निकलती रहती है, तो कभी कभी क्या होता है कि बायोप्सी साइट से इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है कि जो सर्जन या फिर जो भी स्पेशलिस्ट बायोप्सी ले रहा होता है वो सिर्फ सुपरफिशियल बायोप्सी ले जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आइदर टिश्यू बहुत छोटी जाती है, तो उसमें रिजल्ट आता है इनकंसिस्टेंट टिश्यू या फिर इनकम्प्लीट टिश्यू या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल रिएक्शन, एक नॉर्मल बायोप्सी रिपोर्ट आती है। एक्चुअली बायोप्सी जो होती है, अगर फ्रंट एरिया में हो, मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि अच्छे से इंसिशनल बायोप्सी ले जाए, जो कि सपोज कि आपका एक इतना बड़ा लीजन है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, सपोज इतना बड़ा लीजन है, और उसमें से जो लीजन का नॉर्मल पार्ट लीजन होना चाहिए, जो आपका ग्रोथ है वो होना चाहिए, प्लस नॉर्मल टिश्यू भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीजन से आपने बायोप्सी कर दी, आपको नॉर्मल टिश्यू भी काटनी है और उसके साथ आपको लीजन का टिश्यू भी, एक बड़ा सैंपल लेना है मिनिमम। और मैं क्या करता हूं अपने क्लिनिक में, मैं अगर बायोप्सी करता हूं तो जो सैंपल मैं लेता हूं उसको मैं 2 डिफरेंट लैब्स में भेजता हूं, और जो स्टोरेज भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका जो सैंपल है उसको फॉर्मलिन में स्टोर करना चाहिए, फिर उसके बाद आप 2 डिफरेंट लैब्स में उस रिपोर्ट को भेजें। और स्लाइड जो होती है बायोप्सी की, उसको हमेशा प्रिजर्व करें, उसको हमेशा सेकेंड ओपिनियन के लिए आप ले सकते हैं। स्लाइड मतलब जो भी आपकी जो स्लाइड बनती है बायोप्सी की, वो डॉक्टर के पास रहती है या फिर पैथोलॉजिस्ट के पास रहती है। तो अगर हम सिर्फ फिलीफॉर्म पैपिले, जो अब देखिए हमारा जो स्किन है वो 2 लेयर से बना है, सुपरफिशियल लेयर होती है और डीप लेयर होती है। सुपरफिशियल कैंसर क्या होता है कि जब एपिथेलियल लेयर में आपका जो सेल्स रहते हैं वो डिस्प्लास्टिक, नॉर्मल सेल से डिस्प्लास्टिक होने लगते हैं, तो काफी बार कैंसर नहीं हुआ होता है, लेकिन जो सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स से डिस्प्लास्टिक होते हैं। डिस्प्लास्टिक मतलब डिस्प्लेसिया, मतलब कि नॉर्मल जो आपका जो सेल्स है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब कि एक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, अगर आप पढ़ा होगा तो, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब कि साइटोप्लाज्म बिल्कुल कम हो जाएगा, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, ये सब चेंजेस अगर होते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसिया, ये है कैंसर के लक्षण, ठीक है। अब ये सेल्स अगर ऊपर ऊपर में ये डिस्प्लेसिया रहे तो वो कैंसर नहीं होता है, वो मे बी जो मॉडरेट ल्यूकोप्लेकिया या फिर एरिथ्रोप्लेकिया होता है, लेकिन यही जब चेंजेस जो आपके सेल्स है सुपरफिशियल केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, वो अंदर में अगर आप ग्रैनुलेशन टिश्यू मतलब कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, मतलब कि कनेक्टेड टिश्यू जो अंदर वाली लेयर को, जो मसल को टच कर जाए, तब वो कैंसर में ग्रोथ, उसको बोलते हैं कैंसर की ग्रोथ। तो वो एक नॉर्मल इंसान, जो आप एज अ पेशेंट, आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये
चीजें ये होती है कि अगर आप सुपरफिशियली बायोप्सी ले लें और डीप बायोप्सी ना लें तो एक्चुअली में पता नहीं चलता इनकंसिस्टेंट बायोप्सी रिजल्ट आती है, मतलब कि बायोप्सी की रिजल्ट गलत आ सकती है। तो अगर आपको डाउट लग रहा है, आपके कोई और दूसरा डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं ये इनकंसिस्टेंट बायोप्सी है, यू नीड अ री बायोप्सी, तो बिल्कुल री बायोप्सी कराइए। ठीक है, आई नो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत आपको डिफिकल्ट लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कैंसर हो जाता है लेकिन सुपरफिशियल बायोप्सी करने की वजह से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, और छह महीने बाद जब फुल ब्लोन कैंसर हो जाता है T1, अब कैंसर की स्टेजिंग होती है, TNM स्टेजिंग बोलते हैं उसे, T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड एंड M फॉर मेटास्टेसिस, मतलब कि ट्यूमर की साइज अगर 2 से 4 सेंटीमीटर है तो वो T1 है। ठीक है, फिर T2 साइज डिपेंड करता है, अगर थोड़ा और बड़ा हो जाए तो T2 है, और बड़ा हो जाए T3 है, अगर नोड में फैल रहा है N1 N2 है। मेटास्टेसिस मतलब कि अगर कैंसर आपके दूसरे बॉडी में पार्ट्स में फैल गया तो मेटास्टेसिस बोलते हैं उसे, जैसे कि आपका ओवेरियन कैंसर होता है, या फिर आपके जब माउथ कैंसर होता है आपके लंग्स में चला सकता है, या फिर आपके माउथ कैंसर है आपके किडनीज में जा सकता है, तो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो TNM स्टेजिंग पे कौन सा आपका TNM स्टेजिंग है वो भी निकालना बहुत जरूरी है आपके, तो वो बायोप्सी से ही पता चलता है। तो अगर कोई भी बायोप्सी कब कराए, अगर कोई भी आपका अल्सर माउथ में व्हाइट लीजन या फिर कोई भी 1-2 महीने से ज्यादा है और आपको उस एरिया में ब्लीडिंग होती है और नमनेस है और फाउल स्मेल होता है तो उसकी बायोप्सी कराएं। बायोप्सी करने के पहले आपको बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग क्लाइम क्रोटिन टाइम हो गया, या फिर APTT हो गया, या फिर आपका CBC हो गया, या फिर आपका जो वायरल सीरोलॉजी जिसमें हेपेटाइटिस HIV और आपके जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके बाद आप बायोप्सी रिजल्ट कराएं। बायोप्सी आने के बाद अगर आपकी पॉजिटिव बायोप्सी आती है, अगर आपको कैंसर है, तो आप पर्टिकुलरली कैंसर सर्जन के पास जाएं और प्लानिंग करें कि कौन से स्टेजिंग में है, क्या करने से ठीक होगा, कौन से हॉस्पिटल में करने से ठीक होगा, कितना खर्चा आएगा, ये सब चीजें आपको बात करनी है अपने कैंसर सर्जन से। प्लस आपका उसमें रेडिकल नेक डाइसेक्शन होगा कि नहीं, रेडियोथेरेपी होगी कि नहीं, ये सब चीजें आपको क्लियर करनी है। ठीक है, और अपना बजट्स को आपको देखना है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि अब हो गया तो हो गया। अगर और काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर OSMF है और पान पराग खा रहे हैं तो कितने साल लगेंगे ठीक होने में, तो मैं क्या बोलता हूं, जितने साल आपने पान पराग पान मसाला खाया तो उतने साल छोड़ने के बाद ही आपका वो ठीक होगा। तो एक कॉमन सा सवाल है जिनका मैं आंसर देता हूँ, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है। बेसिकली जो चीज हो गई उसको होने में ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। तो बायोप्सी अगर आप कराएं किसी पर्टिकुलर सर्जन से, अगर आपको सेटिस्फाई रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो प्लीज उस बायोप्सी को रिपोर्ट को लेकर माने और उस रिजल्ट को रेस्पेक्ट करें, क्योंकि बायोप्सी एक बार गलत हो सकती है, 2 बार 3 बार गलत नहीं हो सकती है। तो बायोप्सी का जो रिजल्ट है उसके ऊपर काफी चीजें निर्भर करती हैं, और इग्नोर बिल्कुल भी ना करें कि नहीं मेरा तो नेगेटिव ही आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स खाने में, हमारे पेस्टिसाइड्स एंड गुटखा पान मसाला में, इतने सारा अल्कोहल का सेवन इतना बढ़ गया है कि हर एक दिन आप बिलीव नहीं करेंगे, हर एक दिन मेरे को कहीं ना कहीं किसी को स्टमक कैंसर हो गया, किसी को माउथ कैंसर हो गया। मैं तो इंस्टा में डालता ही रहता हूँ, हर एक दिन एक कुछ ना कुछ मेरे को रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि ये हो गया, कैसे इसको ठीक करें। तो जितना भी सेवन है आप तंबाकू, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जितना भी तंबाकू और पान परा गुटखा मसाला ये सब छोड़ें, और इनकंसिस्टेंट बायोप्सी रिपोर्ट या फिर फॉल्स बायोप्सी रिपोर्ट अगर आ रही है आपके पास, तो डोंट बी शाई टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी काफी ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा काम नहीं होता है, बहुत अच्छा काम होता है। तो आज का वीडियो इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और भी आगे वीडियोस आती रहेंगी, मैं और भी पेन किलर्स की वीडियो बनाता रहूंगा। और फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, आई हैव अपलोडेड माई वीडियो ऑन RCT कोर्स इन इंस्टाग्राम इन ग्राफी बाय अन अकेडमी, यू कैन सब्सक्राइब टू ग्राफी एंड अन अकेडमी, एंड इट्स अ पेड कोर्स एंड इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स। And it's a 40-50 minute root canal course, and there's a demo on that. So, आज का वीडियो यही एंड करते हैं। Till then, take care, love you, bye bye.